सब्सक्राइब करें मेरा चैनल सुपर टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकॉन दबाएं। वेलकम टू माय चैनल सुपर टेक्नोलॉजी। मेरा नाम मनदीप दुल्ट। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आप गूगल फॉर्म किसी और लैंग्वेज में क्रिएट करना चाहते हो अदर देन इंग्लिश, तो वो कैसे करना है। दोस्तों, इससे पहले मैं फुल डिटेल में वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कि टीचर ने क्वेश्चन पेपर कैसे क्रिएट करना है गूगल फॉर्म में, एंड कैसे स्टूडेंट्स को सेंड करना है, एंड स्टूडेंट कैसे रिस्पॉन्स करेंगे गूगल फॉर्म्स क्वेश्चन पेपर का। दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अगर आपने गूगल फॉर्म किसी भी इंडियन लैंग्वेज में क्रिएट करना है तो वो कैसे करना है। ये सभी देखने के लिए बने रहिए मेरे वीडियो के एंड तक। दोस्तों सबसे पहले ब्राउज़र ओपन करना है अपने पीसी से। ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने टाइप करना है ड्राइव डॉट गूगल डॉट कॉम। आफ्टर दैट आपने अपने ईमेल अकाउंट के साथ लॉगिन करना है। जैसे आप गूगल ड्राइव में लॉगिन करते हो उसके बाद आपने न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद मोर पे क्लिक करना है। मोर पे क्लिक करने के बाद आपने गूगल फॉर्म पे क्लिक करना है। गूगल फॉर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। अगर आप हेडर सेट करना चाहते हो तो आपने हेडर की इमेज चूज करनी है। अगर आपके इंस्टीट्यूट का या स्कूल का कोई लोगो है तो आप यहाँ पे सेट करके लोगो सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हो तो आप यहां से बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। उसके बाद अगर आप फॉन्ट चेंज करना चाहते हो तो आप यहां से फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। आफ्टर दैट प्रीव्यू की ऑप्शन आएगी। जब आप गूगल फॉर्म क्रिएट करोगे और साथ में आप प्रीव्यू देख सकते हो कि गूगल फॉर्म कैसा दिखेगा। आफ्टर दैट सेटिंग की ऑप्शन आ रही है। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करते हो तो स्टूडेंट को या जो भी कोई फॉर्म फिल करेगा उसे ईमेल एड्रेस डालना कंपल्सरी हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन आ रही है प्रेजेंटेशन की। आफ्टर दैट क्यूज़ की। अगर आप क्यूज डालना चाहते हो उसी समय साथ में आपको आंसर डालना पड़ेगा। जब यूज़र अपना फॉर्म सबमिट करेगा तो उसे उसी समय पता चल जाएगा कि उसके कितने मार्क्स हैं और उसके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने क्वेश्चन रॉन्ग हैं। दोस्तों अनटाइटल फॉर्म का आप नेम चेंज कर सकते हो। जैसे आपने क्वेश्चन पेपर डालना है तो आप यहाँ पे लिखोगे क्वेश्चन पेपर और नीचे डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो। दोस्तों उसके बाद क्वेश्चन डालते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन डालते हैं। अब यहाँ पे अगर आप किसी अदर लैंग्वेज में क्वेश्चन डालना चाहते हो तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने लैंग्वेज कैसे चेंज करनी है। तो उसके लिए आपने लास्ट वाली टैब ओपन करनी है और यहाँ पे आपने फिर से न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपने गूगल डॉक्स पे क्लिक करना है। जब आप गूगल डॉक्स पे क्लिक करते हो तो गूगल डॉक्स की जो डिफॉल्ट लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। और अब हम यहां से गूगल डॉक्स से लैंग्वेज चेंज करेंगे। उसके लिए आपने फाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फाइल पे क्लिक करते हो तो आपको यहां पे लैंग्वेज की ऑप्शन मिलेगी। लैंग्वेज पे क्लिक करना है। जैसे आप लैंग्वेज पे क्लिक करते हो तो आप यहां पे बहुत सारी लैंग्वेज ओपन हो जाएंगी। अगर हम इंडियन लैंग्वेज की बात करें तो हमें बॉटम पे शो होगी इंडियन लैंग्वेज, जैसे नेपाली, मराठी, हिंदी, पंजाबी, गुजराती और बहुत सी लैंग्वेज हैं जो मुझे पता नहीं कि कौन कौन सी लैंग्वेज हैं। तो अगर आप यहाँ से हिंदी चूज़ करना चाहते हो तो आपने हिंदी चूज़ करना है। हिंदी चूज़ करने के बाद अगर आप यहाँ पे राइट करोगे तो फिर भी इंग्लिश में ही राइट होगा। तो उसके लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके आपने जैसे देवनागरी का फॉन्ट है इसे सेलेक्ट करना है। जब आप देवनागरी सेलेक्ट करते हो तो आप यहाँ पे अब देवनागरी में कुछ भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है जैसे, ठीक है। और अगर आप कुछ भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। दोस्तों ऐसे ही आप कोई भी लैंग्वेज यहां से चूज कर सकते हो। आपने यहां पे लैंग्वेज पे क्लिक करना है। लैंग्वेज पे क्लिक करने के बाद आपने लैंग्वेज चेंज करनी है। जैसे अब यहां पे मैं पंजाबी सेलेक्ट कर रहा हूं। नेक्स्ट लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपने फिर से यहां पे लैंग्वेज चेंज कर देनी है।
तो यहाँ पे दूसरी लैंग्वेज सेलेक्ट हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने यहां से जिस लैंग्वेज में आपने राइट किया है उसको सेलेक्ट करना है। आपने यहां पे क्वेश्चन डालना है, यहां पे आप क्वेश्चन डालने के बाद कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहां पे जो भी आपने क्वेश्चन डाला है उसे पेस्ट कर देना है। और ऐसे ही आपने, अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डालना चाहते हो तो आपने मल्टीपल क्वेश्चन पे भी ऐसे ही करना है। आपने फिर से वहां पे ऑप्शन को कॉपी करना है, ऑप्शन को कॉपी करने के बाद यहां पे पेस्ट कर देना है। आपको गूगल डॉक्स में राइट करना पड़ेगा और गूगल डॉक्स में राइट करने के बाद आपको यहां पे कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप किसी भी लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर को सेट कर सकते हो या आप बोलो कि गूगल फॉर्म को सेट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते हो तो आपने प्रीव्यू पे क्लिक करना है। प्रीव्यू पे जब आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे भी हिंदी लैंग्वेज ही शो होगी। तो दोस्तों उसके बाद हमें यहाँ पे बहुत सी ऑप्शन मिलती हैं, जैसे आप शॉर्ट आंसर लेना चाहते हो स्टूडेंट से तो शॉर्ट आंसर भी ले सकते हो, अगर आप पैराग्राफ में आंसर लेना चाहते हो तो पैराग्राफ में भी आंसर ले सकते हो। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद आपने सेंड पे क्लिक करना है। सेंड पे क्लिक करने के बाद आपने अगर ईमेल के थ्रू लिंक सेंड करना है तो आप ईमेल के थ्रू लिंक सेंड कर सकते हो। अगर आपने व्हाट्सएप या किसी अदर सोर्स के थ्रू लिंक सेंड करना है तो आप यहाँ पे लिंक को कॉपी करके किसी भी सोर्स के थ्रू लिंक सेंड कर सकते हो। तो इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है गूगल फॉर्म के रिलेटेड तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। अगर मुझे लगेगा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो भी बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर टेक्निकल अपडेट्स।